हेलो कोडर्स, और स्वागत है आप सभी का मेरे इस पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज़ में। सो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि first 10 नेचुरल नंबर को प्रिंट कैसे कराया जाता है, ठीक है, यूजिंग फॉर लूप देखा था। और मैंने आपको असाइनमेंट दिया था कि आप व्हाइल लूप से करो, तो उस वक्त अपन से प्रिंट कराते first 10 नेचुरल नंबर, ठीक है। तो first 10 नेचुरल नंबर क्या होती है? तो first 10 नेचुरल नंबर होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। क्योंकि नेचुरल नंबर ऑलवेज स्टार्ट्स विद 1, तो इसलिए 1 से लेकर 10 तक first 10 नेचुरल नंबर होती है, ठीक है। और इस प्रोग्राम में अपन क्या करने वाले, कैलकुलेट करने वाले सम किसका, first 10 नेचुरल नंबर का, विच मीन्स 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 टिल 10। और जो कि कितना होता है, इक्वल्स टू 1 प्लस 2 3 6 10 15 21 28 36 45 55, विच इज इक्वल्स टू 55, ठीक है। ये सम होती है, तो मैं इस लाइन को भी कर देता हूँ कमेंट। तो मुझे आउटपुट में 55 आना चाहिए, मुझे इस बार आउटपुट में ये प्रिंट नहीं कराना है, मुझे उसका सम प्रिंट कराना है 55। तो कैसे करेंगे, चलो अपना कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो मेरे को सम कराना है, राइट। सो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा, तो मैं लिखता हूँ एड इज इक्वल्स टू, पहले उसकी वैल्यू होगी 0, मैं 0 से इनिशियलाइज करता हूँ। देन अपना फॉर लूप लिखूंगा, फॉर आई इन रेंज, कहाँ से कहाँ तक जाना है मेरे को, 1 से लेके 10 तक प्रिंट करानी है ना, तो मैं 11 लिख दूंगा। तो नंबर चाहिए 1 से लेके 10 तक, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 11 लिखा। ये चीज़ मैंने आपको डिफाइन अच्छे से एक्सप्लेन किया, वो रेंज मेथड क्या होती है और उसके अंदर क्या कैसे पैरामीटर पास करते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने 11 लिखा है, रीज़न है क्योंकि मुझे वो 10 तक नंबर चाहिए, तो ऑलवेज ये एक्सक्लूड करता है, -1 तक प्रिंट कराएगा 1 से लेके 10 तक। पूरे डिटेल में गाइज मैंने एक्सप्लेन किया है रेंज मेथड, तो आप मेरी वो वाली वीडियो देख सकते हो। सो मैं ये होप करके चल रहा हूँ कि आप मेरी फॉर लूप वाली वीडियो देख रखी है और आपको फॉर लूप अच्छी तरीके से आती है, फॉर लूप की सिंटेक्स पर आपको आती है, इस वजह से मैं ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको नहीं आती तो आप मेरे चैनल पर जाके वो वाली वीडियो देख सकते हो, फॉर लूप वाली वीडियो। सो बहुत ही गाइज इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है मेरी फॉर लूप वाली वीडियो, देखो ही देखो। विच वन? यस, ट्यूटोरियल नंबर 33, ठीक है। तो वाली मेरी वीडियो जाके देखो अगर आपने नहीं देखी है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ कोलन, और कोलन के बाद मैं प्रिंट लगाऊंगा, और प्रिंट अभी मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे फॉर लूप लिखा और रेंज दे दिया मेरे को, जहाँ से जहाँ तक का नंबर चाहिए मेरे को, 1 से 10 तक चाहिए, इसलिए मैंने इस हिसाब से अपना रेंज दे दिया, कूल। नाउ सबसे पहले मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, एड इक्वल्स टू 0, फिलहाल के लिए एड की वैल्यू क्या होगी, 0। लूप के अंदर घुसेगी, घुसते ही मैं क्या करूँगा, एड इक्वल्स टू एड प्लस आई करूँगा, ठीक है। क्योंकि देखो मैं यहाँ पे लूपिंग चला रहा हूँ, आइटरेट में करा रहा हूँ आई को, आई अगर इस रेंज के अंदर होगा तो अंदर आएगा, ठीक। मैं इसको बताता हूँ, आई अगर इस रेंज के अंदर हुआ, इस रेंज के अंदर कितनी वैल्यूज है, इस रेंज के अंदर वैल्यूज है 1 से लेके 10 तक, ठीक है। तो सबसे पहले आई की वैल्यू कितनी होगी, सबसे पहले आई की वैल्यू होगी 1, ठीक। तो इस रेंज के अंदर चेक किया, आई की वैल्यू है सबसे पहला 1, तो 1 है अभी फिलहाल की आई की वैल्यू, इसलिए मैं 1 लिख दिया। अंदर आएगा फॉर लूप के अंदर, देन एड इक्वल्स टू, अभी एड मैंने लिखा, एड इक्वल्स टू, अभी एड की वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी है, 0, तो यहाँ क्या होगी, 0, सॉरी प्लस का साइन है, प्लस दे दिए आई, अब आई की वैल्यू कितनी है, 1, तो 0 प्लस 1 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अभी फिलहाल एड का वैल्यू क्या हो गया है, 1, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना, आई की वैल्यू 1 है, एड की वैल्यू 1 है, ठीक। नाउ आई में इंक्रीमेंट होगा +1 से, क्योंकि बाई डिफॉल्ट +1 से इंक्रीमेंट होती है, अभी मैं इस प्रिंट को हटा देता हूँ, ठीक। तो आई में इंक्रीमेंट होगा +1 से, तो आई की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, 2, और एड की वैल्यू अभी फिलहाल कितनी है, 1, ये चीज ध्यान में रखना, आई की वैल्यू 2 हो चुकी है, इस रेंज के अंदर वो जाएगी, इस रेंज के अंदर 2 है क्या, हाँ इस रेंज के अंदर 2 है, तो फॉर लूप के अंदर आएगा और एड इक्वल्स टू क्या होगा, एड इक्वल्स टू एड प्लस आई, तो फिलहाल अब एड इक्वल्स टू एड प्लस आई, एड की वैल्यू कितनी हो चुकी है, एड की वैल्यू अब 0 नहीं रही गाइस, ठीक है, एड की वैल्यू 1 हो चुकी है, तो एड की वैल्यू 1 है और प्लस आई, अभी आई की वैल्यू कितनी है, 2, तो मैं यहाँ पे कितना लिखूंगा, 2, तो ये अब एड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, राइट, समझ में आ रहा है। तो उसके बाद अगेन क्या होगा, फॉर लूप के अंदर जाएगा ये,
आई आई में इंक्रीमेंट हो गया है प्लस वन से, आई की वैल्यू अब टू ना होके अब हो जाएगी थ्री। क्या इस रेंज के अंदर है आई? हाँ थ्री है, तो अंदर आएगा एड इक्वल टू एड प्लस आई। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगेन लिखता हूँ एड इज इक्वल टू एड प्लस आई। तो एड की वैल्यू अभी कितनी है? थ्री। और आई की वैल्यू कितनी है? आई की वैल्यू कितनी है गाइस? थ्री है ना, आई की वैल्यू मैं थ्री लिखता हूँ। अब एड की वैल्यू कितनी हो चुकी है? टोटल सिक्स। फिलहाल के लिए मैं गाइस इतना लंबा तो आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा। फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, आपको फाइव तक की सम करा के दिखाता हूँ। ठीक है, तो लेट्स से आपकी वैल्यू 1 2 3 4 5, एंड फाइव का अगर मैं सम करूँगा तो कितना होगा? 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 4 10 प्लस 5 15। ठीक है, ये हो जाएगी 15। अगर मैं फाइव तक को प्रिंट कराऊंगा तो 15, तो इसके लिए मुझे यहाँ चेंज करना पड़ेगा 6। ओके, फाइव तक मुझे प्रिंट कराना है। कूल, सो नाउ अब क्या होगा? अगेन आई में इंक्रीमेंट होगा, अब आई की वैल्यू हो जाएगी कितनी? फोर। ठीक है, तो आई की वैल्यू को मैं फोर कर देता हूँ, एंड ये अंदर आएगा एड इक्वल्स टू एड प्लस आई। ठीक है, तो एड हो जाएगा एड इक्वल्स टू एड प्लस आई। एड की वैल्यू कितनी है? सिक्स। तो मैं लिखता हूँ सिक्स, प्लस का साइन है प्लस दे देता हूँ, और आई आई की वैल्यू अभी कितनी चल रही है? फोर। तो मैं यहाँ फोर लिख देता हूँ, विच इज इक्वल्स टू 10। ठीक, नाउ अगेन आई में इंक्रीमेंट होगा, ठीक, प्लस वन से, तो आई की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी? आई की वैल्यू हो जाएगी फाइव, एंड ये चेक करेगा इस रेंज में है कि नहीं है। हाँ इस रेंज में फाइव है। कुल तो ये अंदर आएगा एड इक्वल्स टू एड प्लस आई। तो मैं अगेन लिखता हूँ एड इज इक्वल्स टू एड प्लस आई। एड की वैल्यू अभी कितनी हो गई? 10। तो 10 प्लस आई की वैल्यू कितनी चल रही है अभी? फाइव। ठीक, तो फाइव कर दिया, विच इज इक्वल टू 15। नो अगेन आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, आई इक्वल टू हो जाएगी सिक्स। बट क्या सिक्स इस रेंज में है? वन से लेके सिक्स तक तो सिर्फ 1 2 3 4 5 आता है, सिक्स तो है ही नहीं। इसका मतलब ये वाला ब्लॉक के अंदर जाएगा नहीं, अपना कंपाइलर ब्लॉक के बाहर आ जाएगा। ब्लॉक के बाहर उसको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो ब्लॉक के बाहर मैं उसको करवा देता हूँ प्रिंट। प्रिंट क्या करेगा वो? एड का वैल्यू, एड का जो भी वैल्यू होगा। ठीक है, तो एड का वैल्यू फाइनली क्या है हमारे पास? 15 है, तो 15 रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। मैं इन सबको कर देता हूँ डिलीट। मैं इसको रन करूँगा तो हो जाएगा 15। ठीक है, तो मैं इसको सेव करता हूँ, राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद रन एड फर्स्ट नेचुरल नंबर, हाँ ये वाली मेरे प्रोग्राम की नाम है, तो मैं इसको कर देता हूँ एग्जीक्यूट। देखो 15 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से गाइस अगर आपको 10 तक प्रिंट करानी है तो आप यहाँ पे 11 दो, और लॉजिक मैंने आपको समझा दिया है। 11 के केस में क्या आएगा? रिजल्ट 55 आएगा। ठीक है, तो मैं रन करके आपको दिखाता हूँ अगेन। मैं यहाँ से भी चाहूँ तो रन कर सकता हूँ, तो मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ, देखो 55 आ गया। देख लो गाइस, तो इस तरीके से अपन कोडिंग कर सकते हैं, एंड कोडिंग गाइस बहुत ही ईजी है। आपने देखा बहुत ही आसान तरीके से सिर्फ 4 लाइन ऑफ कोड में हमने ऐड कर दिया फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर को। ठीक है, तो इस वीडियो में गाइस बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ ये मेरी प्लेलिस्ट गाइस जाके देखो, सारी वीडियोस इंपॉर्टेंट है, सारी वीडियो को देखो, आप एक अच्छा डेवलपर बन सकते हो पाइथन के। ठीक है, चलो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।